a very happy new year to all my sassy ladies. तो 2021 is going to be a beautiful year. और किसी भी ईयर को और भी ज्यादा फुलफिलिंग बनाने के लिए हमें चाहिए होता है कि हम अपनी मेंटल हेल्थ का सबसे ज्यादा ध्यान रखें. बाकी सारी चीजें सेकेंडरी हैं, बाद में आती हैं. तो मेंटल हेल्थ को अपनी बेटर करने के लिए आई टुक थेरेपी लास्ट ईयर, और साथ ही मेरी फ्रेंड है निकी, उन्होंने भी थेरेपी ली. इनफैक्ट निकी हमारे एपिसोड 3 में आ भी चुकी हैं लिटिल फिक्सेस पे, और इस एपिसोड में भी मैंने उन्हें बुलाया और हम लोगों ने बात करी कि किस तरह से थेरेपी ने हम लोगों की हेल्प करी टू बिकम अ लिटिल बेटर वर्जन ऑफ आवर सेल्व्स, और क्यों आपको भी थेरेपी लेनी चाहिए. कई बार हमें पता नहीं चलता है कि हमें थेरेपी लेनी है या लेनी क्यों लेनी चाहिए, उसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, और जो उसके साथ टैबूज अटैच्ड हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं हमारे माइंड में. कई बार फैमिली का सपोर्ट नहीं होता है कि थेरेपी क्यों ले रहे हो. तो हम लोगों ने इस एपिसोड में वो सारे एस्पेक्ट्स डिस्कस किए हैं ओपनली, मेडिकेशन भी डिस्कस किया है. इस एपिसोड को सुनिए एंड यू विल रियलाइज कि थेरेपी लेना इज अ वेरी सिंपल थिंग, और हमें अपनी मेंटल हेल्थ के लिए थेरेपी लेनी चाहिए. तो चलिए फिर सुनते हैं कि कैसे थेरेपी ने मेरी और निकी की हेल्प करी. Hey there, welcome to Little Fixes, a podcast for the sassy, classy and a little choosy भारतीय नारी. This is Matri. मैं और मेरे गेस्ट शेयर करते हैं सिंपल प्रैक्टिकल आइडियाज जो आप इजीली फॉलो कर सकते हैं टू गेट क्लोजर टू द काइंड ऑफ लाइफ यू वांट टू लिव. We talk about career, self-care, social media tips, parenting, relationships, and so much more to help you thrive. All of this is mixed with a lot of laughter. So, my lovely friend, continue what you're doing and join me in this real talk. Okay, so आज मेरे साथ हैं निक्की फिर से. So वो हमारी podcast पे आई थी. बहुत ही initial episodes में आई थी. I think एक साल हो गया उनको आए हुए, and now she is coming back here. And I'm very excited because she is a dear friend. She is a very popular content creator also. बहुत सारे funny videos बनाती हैं. So आज हम निक्की के साथ बात करने वाले हैं mental health के बारे में. और ये topic हम लोगों ने क्यों choose किया? क्योंकि mental health के बारे में बात अब होने लगी है, but still therapy में जाना शायद इतना common नहीं है, या फिर बहुत सारे लोग नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि it's taboo. तो निकी ने बोला कि ये एक अच्छा टॉपिक है जिसपे हम लोग बात कर सकते हैं. तो आई थिंक यस, इट इज अ वेरी गुड टॉपिक. तो सबसे पहले चलिए निकी का स्वागत करते हैं. तो निकी, वेलकम टू लिटिल फिक्सेस. थैंक यू. हाय मैत्री, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी. और इस टॉपिक पे बात करने के लिए तुम रेडी हुई मेरे साथ में, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. आई एम सो हैप्पी एंड एलेटेड टू बी हियर. सो एम आई. तो निकी का मैंने इंट्रो तो दे ही दिया है, तो इंट्रो पे हम नहीं जाएंगे. हम डायरेक्ट अपने टॉपिक पे ही आते हैं और पूछते हैं निकी से कि थेरेपी लेने का उनको थॉट कहाँ से आया. क्योंकि हम सभी के साथ लाइफ में छोटी छोटी चीजें होती रहती हैं, बट कोई जरूरी नहीं है कि हम थेरेपी के बारे में सोचें भी. तो फिर निकी ने मुझे बताया कि उन्होंने थेरेपी ली है, और मैंने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था थेरेपी के साथ. तो हम निकी से पहले जानना चाहेंगे कि निकी ने थेरेपी क्यों ली. अच्छा मैत्री, इससे क्या ये एपिसोड मेरे साथ में एक्चुअली लॉकडाउन से स्टार्ट हुआ. जब से ये लॉकडाउन हुआ, माय हस्बैंड हैज आल्सो शिफ्टेड टू पुणे फॉर हिज वर्क, यू नो. सो टेकिंग केयर ऑफ टू किड्स अलोन, दो आई हैव हेल्प वगैरह सब कुछ है, फिर भी मुझे रियलाइज नहीं हो रहा था कि इट वाज टेकिंग टोल ऑन मी, बिकॉज इट वाज अ न्यू सिचुएशन आल्सो, बिकॉज लॉकडाउन था, बच्चे भी घर पे थे और ये सब कुछ. तो एवरीथिंग वाज न्यू एंड ओवरवेलमिंग फॉर मी. एंड धीरे धीरे आई रियलाइज कि मैं ना आई वॉज लूजिंग माई माइंड. मतलब छोटी छोटी चीजें ना मेरे को टिगर करी जा रही थी, और ना मुझे ना डेली टास्क जो होते हैं ना, रूटीन टास्क होते हैं, वो मेरे लिए ना बहुत डिफिकल्ट हो गए थे. इफ यू वॉन्ट बिलीव, मुझे नहाना या इवन तक कि ना लू में जाना भी मुझे ऐसा लगता था कि मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, मुझे नहीं करना है. एंड मतलब आजू बाजू में जो थे उनको ऐसा लगता था कि आई एम बीइंग लेजी, है ना. बट मुझे पता था कि मैं लेजी नहीं हूँ, मुझसे मेरे में हिम्मत ही नहीं हो रही है वो सब करने की. फिर क्या होता था कि दूसरा, मेरे बच्चे ना जब भी कुछ पूछते, उसकी ऑनलाइन क्लासेस के वक्त तो हमारा बहुत सीन होता था. मतलब उसका मेरा रोना धोना चिल्लाना सीखना ये लगातार बहुत ज्यादा बढ़े जा रहा था, है ना. बच्चों के ऊपर कभी भी मैं चिल्ला देती थी और ऐसा, फिर मैं गिल्ट फील करती थी, ये सब कुछ तो हुए जा रहा था. फिर मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है. और फिर तो ऐसी सिचुएशन आ गई थी, ऐसा डार्क सा फेज आ गया था कि मुझे अगर कोई पूछ लेता था कि हाउ आर यू, तब मैं ना रोने लग जाती थी. मतलब मेरे से बिल्कुल कंट्रोल ही नहीं होता था मेरा रोना, और फिर ब्रेकडाउन होने लगे थे. तब तुम्हारा मुझे मैसेज आया था कि तुमने थेरेपी ली है, तब मैंने डिसाइड किया कि मुझे थेरेपी लेने की जरूरत है. उससे तुम्हारे मैसेज से पहले भी मैंने एक बार डॉक्टर प्रियंका से बात करी थी कि मैं, मेरे को ऐसी कुछ हो रहा है, मुझे हेल्प की जरूरत है. तो शी सेड कि टेक थेरेपी, ये वो.
और यार बिल्ली में थेरेपी एक्सपेंसिव तो होती है ना, तो एक ना, और हम मॉम्स होती है और ना जो लेडीज होती है स्पेशली जो कि वर्क मतलब खुद नहीं कमा रही होती है, दो कितना ही अच्छा फाइनेंशियल सपोर्ट होता है हस्बैंड के थ्रू से, तो भी फिर हम सोचते हैं कि ठीक है हम निग्लेक्ट कर लेते हैं अपनी हेल्थ, आपको लगता है कि कौन इतने सारे पैसे थेरेपीज में डालेगा, और ठीक है आई ट्राई टू डू समथिंग, तो हम अपने क्विक फिक्सेस की ट्राई करते हैं ना. तो आई वॉज ट्राइंग दोस क्विक फिक्सेस की, कभी मेडिटेशन कर लिया, कभी सदगुरु का सुन लिया, कभी कुछ कर लिया, तो वो थोड़ा सा मुझे पीस देता था एंड बैक टू स्क्वायर वन, मैं फिर से वही आके खड़ी हो जाती थी. तुम्हारे बोलने के बाद में मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे थेरेपी लेनी है. फिर मैंने अपने हस्बैंड को बात करी कि आई नीड थेरेपी बिकॉज आई एम लूजिंग माई माइंड. तो उन्होंने बोला कि अब समझते नहीं है ना ये लोग, मतलब ऐसे नहीं कि हाँ मेरे हस्बैंड अच्छे नहीं है या समझदार नहीं है या केयरिंग नहीं है, वो सब कुछ है, पर वो समझते नहीं है क्योंकि मेंटल इलनेस सामने दिखती नहीं है ना, तो आप समझते भी हाँ नहीं उस चीज को, है ना. फिजिकल कुछ पेन होता है तो दिखता है, इंसान दर्द में नजर आता है, डॉक्टर डायग्नोज कर देता है तो और ज्यादा हो जाता है, लोगों को सिंपैथी एम्पैथी सब होती है, पर ये समझ नहीं आता. तो ही सेड कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, तुम ठीक हो जाओगी, ज्यादा सोचो मत, मूड स्विंग्स भी होते हैं, किसी से बात करो तुम, है ना, बात करो, बच्चों में ध्यान दो, ऐसे करके ना उन्होंने टाला. देन आई सेड कि इफ यू वॉन्ट कि मेरा बेस्ट वर्जन वापस आए, इफ यू वॉन्ट कि मैं बेटर हो जाऊं, आप चाहते हो कि मैं एक अच्छी माँ मतलब बन पाऊं, है ना, अच्छी वाइफ बन पाऊं, तो आपको मेरी ये हेल्प करनी पड़ेगी. एंड आई सेड दैट इन टू यू नो स्टर्न थिंग. उनको भी समझ में आ गया उसी वक्त, ही सेड उनको ये समझ में नहीं आया कि मेंटल हेल्थ क्या है फलाना निमका, बट वो समझ गए कि इस लड़की को शायद बहुत जरूरत है. नहीं सेड ओके गो अहेड, आई विल नॉट आस्क एनी क्वेश्चन. मैंने उनको ये बोला यू डोंट हैव टू आस्क मी एनी क्वेश्चन, आपको मुझसे नहीं पूछना है, क्योंकि उनको एक्चुअली उनको समझ में भी नहीं आता कि इस चीज में क्या बोला जाए, क्योंकि उनकी कोई छोटी मोटी बात भी मुझे ट्रिगर कर जाती थी. वो ये बोलेगा ना कि हाँ इसमें क्या हो गया, मुझे बहुत बुरा लगता था, मैं फोन काट देती थी, है ना. तो फिर ना हमारे बीच में भी इतने डिस्टेंसेज ऐसे मतलब क्रिएट होते, वो बेचारे वो हमेशा उनको भी समझ नहीं आता था. तो मैंने बोला यू डोंट हैव टू आस्क मी अ क्वेश्चन, आपको मेरे से कुछ भी क्वेश्चन पूछना है, बस मैं जो बोल रही हूँ वो करते जाओ. तो ही सेड कि ओके गो अहेड, मैं आई विल गिव द सारे बिल पे करता रहूंगा, तुम जो करना है तुम करो, बस तुम खुश रहो, ऐसे ही सेड. देन माई स्टार्ट थेरेपी स्टार्टेड. और कैसा लगा आपको अपने थेरेपी का फर्स्ट सेशन का एक्सपीरियंस? आपको कैसा लगा कि लोग जैसे बहुत रोमांटिसाइज भी हो जाता है कई बार मूवीज में दिखाते हैं, बड़े अच्छे से बैठ गए और बातें कर रहे हैं, और ऑब्वियसली हम लोगों ने ये ऑनलाइन किया था सेशन, तो वॉज इट लोग मुझसे भी पूछते हैं कि ये फिल्मी होता है, कैसे होता है, क्या होता है, तो आपको फर्स्ट सेशन के बाद क्या एक्सपीरियंस रहा, कैसा लगा? अरे मैं थी फर्स्ट, मतलब जब मैंने ना अपनी थेरेपिस्ट से बात करी तो मेरे अंदर मतलब मैं आई वाज लाइक एक्सप्लोर कर रही थी, मैं जितने भी मेरे इमोशंस थे जो चीज मेरे अंदर चल रही थी, मतलब मुझे कोई डर नहीं था, मैंने सब बोल दिया उसके सामने कि मुझे ये हो रहा है, मुझे ये हो रहा है, मेरे वो हो रहा है, मैं नहीं कर पा रही हूँ. एंड देन आई ब्रोक डाउन इन फ्रंट ऑफ हर, आई वाज क्राइंग एंड ये वो. फिर उसके बाद मुझे थोड़ा लाइट फील तो हुआ कि मैंने उसको सब कुछ बताया. एंड यू नो एंड जब उसने मुझे डायग्नोस करके ये बोला कि निक्की, मुझे ऐसा लगा था मुझे सोशल एंग्जाइटी या छोटा मोटा एंग्जाइटी ऐसा, मतलब छोटा मोटा तो बोलो, मतलब मुझे लगा एंग्जाइटी तक ठीक है इतना होगा मुझे. शी टोल्ड मी यू हैव डिप्रेशन एंड वो भी थर्ड मतलब लेवल का डिप्रेशन. तो मैं थोड़ी शॉक हो गई, मतलब है ना, मुझे एकदम धक्का लग गया कि ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब ऐसा मैंने क्या मतलब कर लिया कि मुझे ऐसा लग रहा है, मैंने मैंने ऐसा तो मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं है, कोई ट्रॉमा नहीं है, सब कुछ तो अच्छा है मेरी लाइफ में, माई हस्बैंड इज गुड, माई किड्स आर गुड, आई हैव कुक, आई हैव मेड, आई हैव एवरीथिंग, मतलब मेरे को कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है. फिर जब वो धीरे 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 जब सेशन में बात होने लगी ना, तब मुझे पता चला कि ये केवल अभी का नहीं है, दिस इज बीइंग बिल्ट अप, यू नो दिस इज निग्लेक्ट, मतलब ये निग्लेक्ट है चाइल्डहुड का. यू नो शी टोल्ड मी कि दिस इज पोस्ट ट्रोमैटिक, यू नो पोस्ट ट्रोमैटिक चाइल्डहुड डिसऑर्डर है ना. तो ये मतलब ये आप इसमें, तब तो मुझे ये लग गया कि मुझे थेरेपी लेनी ही है, क्योंकि मुझे लगा कि जब मैंने ना रिफ्लेक्ट बैक किया उन सब सेशन से, तब मैंने रियलाइज किया कि मैं भुगत रही हूँ वो चीजें जो मेरी चाइल्डहुड में हुई, वो जिसका मैं अभी तक खामियाजा भुगत रही हूँ, और मेरे बच्चे मेरी वजह से भुगत रहे हैं, और मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे जब बड़े हों अडल्ट हो तब वो वही चीजें करें. और फिर वो हमेशा फिर वो ये रिग्रेट करते रहे कि मेरे चाइल्डहुड में ये हुआ था, मेरी मम्मा ने मुझे डांटा था, मेरी मम्मा ने मुझे मारा था, मेरी मम्मा ने मुझे ये किया था. तो मुझे लगा नहीं नहीं आई हैव टू डू इट फॉर माई सेल्फ, आई हैव टू डू इट फॉर माई किड्स ऑल्सो, बिकॉज आई कांट रुइन देयर लाइफ. यू नो हम कितना भी बोल ले कि बच्चा कहाँ से सीखता है, बच्चा कहाँ से सीखता है, नहीं, बच्चा देख के ही सीखता है, बच्चा ऑब्जर्व करके ही सीखता है. हम निग्लेक्ट कर सकते हैं लेकिन बच्चे के ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव मम्मी पापा का होता है. तो आपने बोला कि आपको फर्स्ट सेशन के बाद लाइट लगा, और धीरे धीरे फिर आपने कई सेशंस लिए होंगे, तो इवेंचुअली आपको क्या डिफरेंस लगा, ऐसा क्या हुआ कि आपको लगा कि इट इज वर्थ टेकिंग थेरेपी? हाँ मेरे को ये हुआ कि मेरे को है ना डॉक्टर ने बोला कि यू नीड मेडिकेशन ऑल्सो. तो पहले तो मैं थोड़ी सी वो, क्योंकि ये स्टिग्मा है कि ना दवाई नहीं लेना, दवाई, और मेरे को बहुत लोगों ने बोला अवॉइड दवाई, है ना.
थेरेपी ले रहा ना, दवाई अवॉइड करना, दवाई अवॉइड करना, तो फिर मेरे दिमाग में भी था, मुझे ऐसा था कि शायद दवाई से मेरा दिमाग कमजोर हो जाएगा, मैं इसकी आई विल गेट यूज टू इट एंड हाँ, हैबिचुअल हो एडिक्शन जाऊंगी, हो जाता है. मुझे ये सब भी था, एडिक्शन हो जाएगा मुझे, ये हो जाएगा मुझे, शायद नींद ना आए, शायद इसके बाद मैं छोड़ना चाहूँ तो विड्रॉल सिम्टम्स हो जाए मुझे, ये सब मुझे डर था. एंड देन देयर इज अ गूगल ऑलवेज यू नो वेयर यू सर्च एंड फिर आपको सब दिखाएगा तो आप और डर जाते हो ना, और पर्सन गोइंग थ्रू एंग्जाइटी उसको तो और ज्यादा हो जाता है ये सब चीजें. तो फिर मैंने मैंने अपने डॉक्टर से ही बात करी एक हफ्ता, तो मैं डॉक्टर को सो मतलब बहुत ही अच्छी है, उन्होंने बोला कि यू टेक योर टाइम, उसने पूरा एक्सप्लेन किया कि वाई आई नीड मेडिकेशन और ना मेरा पूरा हक है ये जाने का. पर उन्होंने एक बात बहुत अच्छी बोली कि जब हम किसी सर्जन हार्ट हार्ट डॉक्टर के पास जाते हैं या किसी और डॉक्टर के पास जाते हैं, वो जब दवाई लिख के देता है हम चुपचाप ले लेते हैं, वी नेवर आस्क कि सर ये क्यों दिए, किस लिए दिए, इसके साइड इफेक्ट होंगे क्या, फलाने का नहीं पूछते. बट एक न्यूरो इसके उसके पास जाके हम हमेशा पूछेंगे सर इसके साइड इफेक्ट है, हम ले के नहीं ले. तो मैंने कहा हाँ बात तो ये है, ये दिमाग भी एक बॉडी का पार्ट ही है ना, और वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होने के बावजूद भी सबसे निग्लेक्टेड पार्ट है वो बॉडी का. मतलब बॉडी में और कहीं कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो फिर भी ठीक हो जाएगी, लेकिन अगर ब्रेन तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, अगर वही बिगड़ जाएगा तो पूरा सिस्टम ही हिल जाएगा ना, और उसी को आप इतना ज्यादा निग्लेक्ट कर रहे हैं. मैंने कहा नहीं अब किसी को बोलने दो, मुझे आई हैव टू डू एवरीथिंग फॉर माई सेल्फ, मुझे अगर सही लगता है तो मतलब. तो फिर मैंने ना रियलाइज किया कि मुझे ना बहुत कामनेस आने लगी थी, वो एपिसोड जो भी प्रॉब्लम्स आती थी वो मुझे थोड़ी कम होने लगी, ऐसा तो नहीं हुआ था कि एकदम छू मंतर हो गया था, बट आई वॉज मतलब बहुत रिलैक्स आ गया था मेरा दिमाग में, और मैंने ना बच्चों के ऊपर चिल्लाना ये सब तो बंद ही कर दिया था बिल्कुल ही. फिर उसके बाद में एक महीना सेशन पूरा मतलब चले, उसके बाद में है ना आई केम अक्रॉस दिस ग्रेटिट्यूड क्लब. उस ग्रेटिट्यूड क्लब में मैंने ग्रेटिट्यूड सेशन शुरू किए, मैंने सीक्रेट पढ़ी, फिर मैंने वो जो मैजिक पढ़ी, मैंने सब सेशन करने चालू किए, उससे भी मुझे बहुत फर्क पड़ा. पहले मैंने सोचा था जब सेशन तभी स्टार्ट होते थे मैंने स्टार्टेड थेरेपी, मैंने पहले ही सोचा कि आई शुड गो फॉर दीज ग्रेटिट्यूड सेशन एंड इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर थेरेपी है ना. तो देन आई सेड आई रियलाइज कि नहीं, पहले मुझे अपनी प्रॉब्लम की तह तक जाने की जरूरत है ना, तब तो मैं ग्रेटिट्यूड को करूँ. मैं अगर मैं परेशान हो रही हूँ और मैं यही बोलने लग जाऊँ नहीं, आई हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर माई लाइफ, आई हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर माई किड्स एंड एवरीथिंग, नहीं उससे नहीं होगा ना. पहले मुझे प्रॉब्लम तो सॉल्व करनी कि जहाँ आ कहाँ से रही है ये सब चीजें, ये अभी के लिए अभी की चीजें तो नहीं है, ये बचपन की पेरेंटिंग की वजह से, ये उससे सब चीजों की वजह से ये सब चीजें आ रही है. और फिर मैं उसके मैं आई कांट बी ग्रेटफुल अंटिल अनलेस आई नो द कॉज एंड एवरीथिंग एंड आई सेटल डाउन द स्कोर्स विद माय थिंग एंड देन आई कैन बी ग्रेटफुल अबाउट थिंग्स है ना. तो आई कांट जस्ट कर्ब माई इमोशन, तो दैट वॉज द राइट डिसीजन दैट आई टुक, दैट आई टुक माई थेरेपीज एंड देन आई वेंट फॉर दैट ग्रेटिट्यूड कोर्स एंड दैट रियली हेल्प मी एंड दैट रियली काम्ड मी डाउन अ लॉट यू नो बहुत ज्यादा. पर ऐसा नहीं है कि मैं ना बिल्कुल ही ठीक हो गई हूँ या मैं बिल्कुल ही अभी अभी भी होता है कि मुझे एंग्जाइटीज हो जाती है. जैसे मेरे दिक्कत ये थी कि ना दिक्कत ये होती है कि आप रियलाइज कर लो उस चीज, मतलब नहीं करते हो, आप जब रियलाइज कर लेते हो तब आपके साथ में सीरियस सही हो जाती है. इट सेज कि यू कांट बी ओके और यू कांट हील योर सेल्फ अंटिल अनलेस यू स्टॉप प्रिटेंडिंग, मतलब यू अंटिल अनलेस यू स्टॉप प्रिटेंडिंग दैट यू आर ओके है ना. ओके सो आपको डिफरेंस लगा, आपने ग्रैटिट्यूड भी स्टार्ट किया, और आपको अभी भी आप थेरेपी ले रहे हो, कंटिन्यू कर रखी है आपने या बंद कर दिया? नहीं मैंने ना एक महीने तक अभी बंद करी, ब्रेक लिया है, बट आई वुड मतलब कंक्लूसिव तो लूंगी मैं थेरेपी. हाँ ओके ओके तो मतलब आप वापस से जाना चाहोगे, क्योंकि कई बार लोग कहते हैं ना कि थेरेपी की भी आदत पड़ जाती है, तो इस नहीं, तरह हाँ भी लोग नहीं जाना चाहते, बट एटलीस्ट स्टार्ट तो करके देखो, उसके बाद ही तो आपको पता चलेगा ना कि क्या हो रहा है क्या हाँ. नहीं हो रहा है. एग्जैक्टली हाँ मैंने लिया थेरेपी सेशन, अब मैंने बंद कर दिया है क्योंकि मैं अच्छा फील कर रही हूँ. इवन मेडिसिन भी मैंने बिना डॉक्टर की सलाह के ही बंद हो गई, क्योंकि बंद इसलिए हो गई थी क्योंकि मैं शादी में गई हूँ, मैं भूल गई थी अपनी दवाइयाँ, पर मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा. तो फिर मैंने ध्यान दिया कि मेरे को ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, और बहुत टाइम से मैंने नहीं लिया तो फर्क नहीं पड़ रहा है. फिर मैं वापस एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करूंगी और फिर पता करते हैं क्या होता है. ओके और आपको अपनी पेरेंटिंग में भी फर्क दिखा? आपके बच्चे बच्चों ने कुछ बोला आपसे कि मम्मा यू हैव बिकम बेटर या हाँ कामर? मतलब नहीं, मेरे बच्चे मतलब समझते हैं हर चीज में, बहुत ज्यादा सेंसिटिव किड्स है मेरे. तो मेरा सबसे बड़ा बेटे का मुझे बड़े बेटे का बहुत ज्यादा था, बिकॉज मैं उसमें अपना रिफ्लेक्शन पूरा पूरा देखती हूँ ना. तो मैंने डॉक्टर से बात भी करी, तब मैंने ये रियलाइज किया कि मैं है ना उसके अंदर मैं अपना चाइल्डहुड मतलब फोर्स कर रही थी, मेरा चाइल्डहुड यू नो, कि अगर वो पढ़ नहीं रहा है तो मुझे एंग्जाइटी हो जाती है कि ये नहीं पढ़ रहा है तो क्यों नहीं, मतलब क्या हो गया अगर ये नहीं पढ़ रहा है, अगर इसको एक आंसर नहीं आ रहा है तो मैथ्स में अगर ये स्ट्रगल कर रहा है तो क्या हो गया. मैं ना पूरी कहानियां गढ़ लेती थी अपने दिमाग में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं नहीं कर पाई तो ये नहीं कर पाएगा यू नो ऐसा. तो मेरे को ना मतलब वो मेरे दिमाग में बचपन का पढ़ाई का डर इतना बैठा हुआ था कि मैं ना रात को सपने में मतलब सोती थी ना तो सपने अभी तक मुझे इन चीजों के आते हैं कि मेरे एग्जाम से या मैंने पढ़ाई नहीं करी है या फिर मैंने होमवर्क नहीं किया और मेरे टीचर के पास मेरी नोटबुक जाने वाली हाँ मेरी नोटबुक जाने वाली है और मैंने पढ़ाई नहीं करी है, या फिर इंग्लिश का टेस्ट था और मैंने मैथ्स की पढ़ाई कर ली है. ऐसे ऐसे बहुत सारे मेरे को ऐसे आते हैं नाइट में, मैं बहुत डर जाती हूँ यू नो. तो ये सब मतलब आप ही सोचिए कि मतलब छोटे माइंड बच्चे के माइंड पे कितना असर पड़ता है और कितनी ये मेमोरीज
मतलब टाइट हो जाती है। जैसे मैं कल ही मेरे बेटे को मैं समझाई थी, बेटा कि अभी आपका माइंड है ना बहुत सॉफ्ट है, उसके अंदर ना आप है ना जो बीज डालोगे ना, जो सीड्स डालोगे ना, तो धीरे धीरे जब बड़े हो जाओगे तो वो यार ट्री तरह बन जाएगा। इतनी खतरनाक जड़े जमा लेंगे ना, फिर आप निकालने की कोशिश करोगे तो नहीं निकल पाओगे ना। तो अपन कोशिश करें कि हम पॉजिटिव सीड्स डालें ताकि वो पॉजिटिव ट्रीज हो। तो तब मेरे बच्चे तो बच्चे हैं, तब तो रात को तो सुनने से उठ के उनके सब वो सीड्स गायब हो जाते हैं। तो मैं कोशिश तो करती हूँ कि ना, जैसे हम अफर्मेशन बोलते हैं रोज रात को, तो अब मतलब आप मानोगे नहीं कि मतलब बच्चे में अपने आप चेंजेस आने लगे हैं। जैसे कि वो ऐसी ऐसी बातें बोलते थे कभी कभी, जैसे खड़े होते हैं तो बोलते हैं कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आज मम्मा ने हमको गार्डन में लाया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, और थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, ये यूनिवर्स ने भेजा है मेरे लिए, अब मैं है ना सैंटा को अपने मन से मैजिक मैं सोचूंगा, और ऐसे ऐसे मतलब वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं, बीइंग ग्रेटफुल, दे सेज दैट आई लव माय सेल्फ, आई एम इनफ, आई एम मोर देन इनफ, ऐसे वो बोलते हैं रोज रात को, बोलते ऐसे सोचते हैं थैंक यू बोलते हैं। पर है कि पर ना ये ना दिमाग को भी ना, दिमाग जब इतने सालों से दिमाग में चीजें जमी हुई है तो उसको निकालने के नया कुछ प्रोग्राम करने के लिए टाइम तो लगता है। आप ना ऐसे 10-15 दिन में या 1 महीने में आप उसको नहीं ट्रेन कर सकते इतने सालों का, तो आपको थेरेपी लेनी चाहिए। थेरेपी लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि रूट कॉजेज क्या है, क्या चीज है, इससे भागना नहीं चाहिए। स्टिग्मा तो है, मतलब इवन मैं अभी मैं आई कांट से कि मैं अपनी मेरी फैमिली में मैं किसी को बताती हूँ कि मैं आई एम टेकिंग थेरेपी, बिकॉज आई नो दे वोंट अंडरस्टैंड। या दे विल बी शॉक्ड। अच्छा तुम्हें क्या जरूरत है, ये तो तुम्हें क्या जरूरत होता है। है। हाँ, तो पागल हो तुम, दिमाग खराब है तुम्हारा। हाँ लोगों को यही लगता है, तुरंत यही सबसे ज्यादा लगता है, अरे क्यों थेरेपी ले रही हो, तो हाँ आई अंडरस्टैंड। और हाँ, और ऐसा नहीं है कि लोग बोलते हैं कि आजकल मेंटल हेल्थ का बहुत ज्यादा लोग खुश, लोग ये बोलते हैं कि तो ना एक वो बन गया है, ट्रेंड बन गया है, यू नो एवरीबॉडी सेइंग कि आई एम हैविंग मेंटल इलनेस, मुझे मेंटल मुझे एंग्जायटी है, मुझे डिप्रेशन हो रहा है, तो एक नया ट्रेंड और फैशन बन गया, यू नो। तो ये ऐसा नहीं है, ऐसा है क्या है, अब क्या हो गया, पीपल हैव स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट है ना, तो वो हाईलाइट हो रहा है। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि पहले नहीं था। मैं जैसे अब जब मुझे डॉक्टर ने बात करी तब मैंने रियलाइज किया कि यार इवन माय पेरेंट्स हैड दिस प्रॉब्लम, बिकॉज ऐसा नहीं कि उनको स्ट्रेस नहीं था, दे यूज टू रिएक्ट टू द स्ट्रेस सो बैडली, माय मदर हैज ओसीडी इश्यूज, दिस आई सी, माय मदर हैज एंग्जायटी डिसऑर्डर, मतलब जब उनको पैनिक अटैक आ जाते हैं, मतलब वो बहुत पैनिक कर जाती है। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स ना वो मेरे अंदर अपने आप आ गई पेरेंट्स को देख के, है ना, पेरेंट्स को देख के उन्होंने कहीं ना कहीं डाल दिया मेरे, आई नो, मतलब मैं उनको ब्लेम नहीं करूंगी, उनकी उनको वो उनका तो ऐसा कुछ नहीं। जैसे मेरे माय फादर ऑलवेज यूज्ड टू से कि उनका चाइल्डहुड वाज वेरी बैड, है ना, तो मतलब उनका मदर के साथ पढ़ते, तो हमेशा मतलब एंड मोमेंट टिल हिज डेथ यू नो यूज्ड टू से कि मुझे प्यार नहीं मिला, मेरा चाइल्डहुड अच्छा नहीं था, मेरी मम्मी अच्छी नहीं थी, ये तो मुझे ऐसा लगता था, मेरी मम्मी हमेशा बोलती थी इनको क्या गड़े बोलते हो खाली क्या रहते, ये हमेशा ही टॉक अबाउट हिज चाइल्डहुड, ये टॉक अबाउट हिज चाइल्डहुड। बट नाउ आई रियलाइज कि बिकॉज वो उनको इतना इफेक्ट कर गया था कि वो चीजें वो अनकॉन्शियसली उनके दिमाग में चलती रहती थी और अनकॉन्शियसली वो चीजें बाहर आती थी। यस yes, यस yes, वो सबके सबके साथ होता है। अभी लोग इसके बारे में बात करने लगे हैं, इनफैक्ट जब मैंने इंस्टाग्राम पे इसके बारे में शेयर किया तो पहले मेरा मन हो रहा था शेयर करने का, बट मेरे दिमाग में ये भी थॉट आ रहा था कि लोग कहेंगे कि लो ये शो ऑफ कर रही है कि मैं थेरेपी ले रही हूँ, ये नहीं आजकल सेलिब्रिटीज बोल देते हैं कि मेंटल हेल्थ के बारे में बात करो तो लोग उनको भी नेगेटिवली कई बार पोर्ट्रे करते हैं। लेकिन फिर मैंने शेयर किया तो मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला, ऐसा नहीं किसी ने बोला कि तुम क्यों बता रही हो, मतलब लोगों को लगा और बहुत लोगों ने पूछा भी कि किससे ले रहे हो, क्या कर रहे हो, इवन तुमने ही पूछा बता रहे हो। तो वही चीज है कि अगर हम बात नहीं करेंगे इस चीज के बारे में, मेंटल हेल्थ के बारे में, तो फिर कहीं से भी नहीं चेंज आने वाला। हाँ तो देखो बैठी, अगर तुमने नहीं बात की होती तो शायद मैं अभी तक स्ट्रगल कर रही होती, है ना, तुम्हारे एक बात करने की वजह से मैंने लिया। मेरे पास भी बहुत सारी मदर्स के मैसेज, मुझे बड़ा अच्छा लगता है अब मेरा, मतलब मैंने कहीं से कहीं मतलब मन में मैंने ना कहीं एम बना रखा है कि मैं कोशिश करूंगी कि ना मतलब लोग इसको मतलब इसको ले, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये स्ट्रगल बहुत ईजी नहीं होता है, दिस इज वेरी डार्क फेज, बहुत ही परेशान होते हो आप, और फिर आप क्योंकि ना कोई समझने वाला नहीं होता है, किसी को समझ नहीं आती है इस चीज के बारे में। चाहती हूँ कि जिसको भी हेल्प, मतलब स्पेशली मदर्स, है ना, स्पेशली मदर्स को बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, उनके बच्चों की भी है, यू नो। तो आपको exactly. और हाँ हाँ तो आप जब तक सही नहीं हो तब तक आप है ना अपने बच्चे को भी नहीं अच्छे से संभाल सकते हो। आपकी कोई गलती नहीं, आप जानबूझ के ऐसा नहीं कर रहे हो, अगर आप जानबूझ के चिल्ला रहे हो कर रहे हो तो जानबूझ के नहीं करना, नोबडी इज अ बैड मॉम, यू नो। पर ना समझते नहीं, हमको ऐसा लगता है कि हम ओवरवेल्म हो रहे हैं चीजों से, हम बर्डन है काम का, ये सब कुछ है, पर नहीं, अगर ये रेगुलर रूटीन में आपके साथ हो रहा है, आप नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं अपने इमोशंस को, आपका कोई कंट्रोल नहीं, आपको लग रहा है कि यू लूजिंग योर माइंड, तो डोंट गो फॉर सर्चिंग कॉजेस, क्या कॉज हो सकता है, गो टू अ थेरेपिस्ट, वो आपको बताएगा, आपको एक एक स्टेप्स के थ्रू ले जाएगा, आपको बताएगा, तब आप रियलाइज करेंगे वो ये वाली बात थी, तो मुझे पता ही नहीं थी कि ये मुझे इतना इफेक्ट कर सकती है ना। हाँ लेकिन इसमें एक ये भी फैक्टर आता है कि मेरे हस्बैंड हो या तुम्हारे हस्बैंड हो, वो लोग सपोर्टिव थे, उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि मत करो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, लेकिन आई थिंक हर किसी के पास शायद ये भी प्रिविलेज नहीं है, क्या या तो वो छुप के करेंगे या फिर वो करेंगे ही नहीं,
है ना। तो ये भी सिचुएशंस हो सकती है। तो तुम्हें लगता है कि कोई ऐसा तरीका है जिससे हम लोग इस सिचुएशन से बाहर आ सकते हो, कुछ मदर्स जिनको शायद उनके पार्टनर्स इतने सपोर्टिव नहीं है? हाँ, मेरे को ये लगता है कि इसीलिए मैं चाहती हूँ कि कोई सपोर्ट सिस्टम बनाए होना चाहिए, जो सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, जो कि इन मम्मियों की मतलब हेल्प कर सके, ताकि इनको अपने फाइनेंशियली भी हेल्प कर सके और प्रोफेशनली भी इनकी हेल्प कर सके, ताकि इनको मतलब पति की या किसी की जरूरत नहीं। जैसे आज मैं, अगर मेरा हस्बैंड सपोर्टिव नहीं है, तो हाँ मैं बिना उसे बताए भी ले सकती थी। कि सबसे बड़ी बात है आपका अपना, है ना। एक बार बोलते हैं कि ना, लाइफ लाइफ में ना, ऐसे जरूर हम आके रिश्ते बना देते हैं, रिलेशन बन जाते हैं, लेकिन आप अल्टीमेटली आप अपने लिए होते हो, आप अकेले होते हो, अकेले आते हो, अकेले जाते हो। तो आपकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट बीइंग सेल्फिश, सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी आपने अपने ऊपर है, खुद के लिए है, खुद के प्रति है ना। सब आएंगे, सब जाएंगे, वो सब बोल रहे हाँ ठीक है, मोह माया पर ये नहीं है, लेकिन आपको अपने लिए तो करना ही पड़ेगा। यू नो, यू कांट से यू कांट पोर फ्रॉम एन एम्प्टी ग्लास, है ना। तो सही सही बात है। बात जब आप नहीं कर अपने सकते घर ना। वालों के लिए किसी भी तरीके से, जैसे बोलते हैं, अपने जुगाड़ करके हर चीज निकाल लेते हो, हर चीज कर लेते हो, तो आप अपने लिए तो जरूर कर सकते हो। मतलब आप अपने हाँ, आप को जरूर कर इग्नोर कर सकते रहे हो, हो, बल्कि आप कर सकते हो, है ना। कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। आप कपड़े, आप है ना, आप बोलते हो अरे एक्सपेंसिव थेरेपीज है यार, अपने ना कितने स्विगी के अंदर, कितने कपड़ों में, चीजों में अपन पैसे डाल हाँ, देते हैं। और सही अगर बात फिर अगर ना, अपन को लगता है तुमने ही मुझे बोला था कि ना निकी, है ना ठीक है ना, अपन इतना सारा खर्चा इधर उधर कर ही लेते हैं ना। हाँ, तो मैंने हाँ, लेट किया, हाँ कर ही लेते हैं ना। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तो हेल्थ है, उससे ज्यादा बड़ा क्या उससे है। ज्यादा कैसा ही बात है भैया। मत कपड़े खरीदो थोड़े दिन, उसकी जगह ये कपड़े, ये पैसे हम थेरेपी में डाल देंगे, और हाँ क्या। वही तो। हाँ सही बात वैसे है, भी वही अभी तो। तो कोविड टाइम्स में कहीं जाना भी नहीं, तो कपड़ों हाँ, कहीं की जाना भी नहीं है, कपड़ों की भी जरूरत नहीं है। सही बात है। सो हम लोग कंटेंट क्रिएटर्स भी हैं, इंस्टाग्राम पे अपनी लाइफ्स का कुछ हिस्सा शेयर करते हैं, और इसमें भी यही चीज आती है कि हम लोग अपनी लाइफ का हर एस्पेक्ट इनिशियली नहीं शेयर करते। और इनिशियली क्या मतलब, अभी भी नहीं करते हम लोग मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं, बट इसका मतलब थोड़ी है कि हम ये भी बताएंगे शायद कि आज मैंने अपने बच्चे को डांट दिया, या कल मेरी मेरे हस्बैंड से लड़ाई हो गई। ये चीज हम लोग अगर शेयर करते भी हैं तो वी गिव इट अ वेरी गुडी गुडी काइंड ऑफ लुक ना। तो इंस्टाग्राम और रियलिटी का ये जो डिफरेंस है, कहीं ना कहीं ये भी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता है। और जैसे कि तुम एक कॉन्टेंट क्रिएटर हो, तुमने इस फेज में भी कुछ ना कुछ कॉन्टेंट जरूर क्रिएट किया होगा, तो उस टाइम का जो ये मेंटल कॉन्फ्लिक्ट होता है, इसके बारे में कुछ बताओ। इसमें बहुत है, पता है, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए ना, तो मैंने ये रियलाइज भी किया था जब मैं इस स्ट्रगल कर रही थी। तो मैंने रियलाइज किया कि आई वॉज टू मच इन टू माई वर्चुअल रियलिटी एंड आई वॉज टोटली कट ऑफ फ्रॉम माई रियल लाइफ। यू नो, मेरा कोई रियल कनेक्शन किसी के साथ में नहीं था, मेरे वर्चुअल रिलेशन ही सब कुछ थे, मेरा वर्चुअल कनेक्शन ही सब कुछ था। एंड आई वॉज गेटिंग टू मच एडिक्टेड टू यू नो सोशल मीडिया, और मैं इतना ज्यादा एडिक्टेड हुई थी। फिर मुझे बाद में डॉक्टर के थ्रू ऐसे मतलब रियलाइज हुआ कि ये एक्चुअली मोबाइल वॉज एक्टिंग लाइक अ यू नो वो ड्रग की तरह, इट वॉज एक्टिंग लाइक ड्रग। क्योंकि मेरे पास में और कुछ नहीं था, तो मैं ना सारे दिन आई वॉज रीचिंग आउट टू माई मोबाइल, थोड़ी थोड़ी देर में आई वॉज रीचिंग आउट टू माई मोबाइल, आई वॉज एडिक्टेड। मतलब अगर तुम मेरे साथ में, अगर मैं 24 आवर्स में से अगर 18 आवर्स उठी हुई हूँ, तो 17 आवर्स मेरे हाथ में मोबाइल है, इतना मतलब एडिक्शन मेरा मोबाइल का। तो फिर मैंने ये रिलेट किया कि क्योंकि है ना, आप क्या होता है ना, आप है ना एक वर्चुअल रियलिटी बना देते हैं, और फिर आप है ना एक्सपेक्टेशंस आपकी बढ़ जाती है जबरदस्त, आप है ना एक्सेप्टेंस चाहते हैं उनसे, और उस चक्कर में ना आप अपना रियल रियलिटी नहीं दिखा सकते। क्योंकि मेरे को सबसे सबसे ज्यादा ये फियर होता था, पीपल विल जज मी, पीपल विल नॉट लाइक मी, एंड विल गो ये वो कहने, तो क्या हो जाएगा तो अगर चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा। हम उस क्या के बारे में सोचना ही नहीं चाहते हैं ना, हमको हाँ, इतना डर और लगता है। इवेंचुअली शायद उसका कोई आंसर भी नहीं होता है। अगर सब चले जाएंगे, हमारे 10,000 फॉलोअर्स हैं, 10,000 के 10,000 भी चले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? लाइफ तो नहीं खत्म हो क्या हो जाएगी? जाएगा। हाँ, कल को इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया है, डिलीट हो गया, तो फिर क्या मतलब, आप खत्म हो गए? नहीं खत्म हाँ, हुए ना, किसने बिल्ड किया एग्जैक्टली था? ये टैलेंट जो है वो तो आपके पास में ही है ना, आपका टैलेंट आपके पास, वो तो आपसे कोई नहीं छीन सकता ना। पर वही इनसिक्योरिटीज और ये सब कुछ बहुत बढ़ा देता है। हर चीज की ना अति अति मतलब बुरी होती है। अगर आप है ना इतना ज्यादा वर्चुअल लाइफ में आप घुस जाते हो कि वो आपको इतना इफेक्ट करने लग जाए, तो दैट इज यू नो यू नीड टू क्रिएट अ लाइन, एंड यू नो यू नीड टू डू समथिंग अबाउट इट। हाँ, और दूसरा ये जो क्वेश्चन था कि जब मैं इस फेज में थी, तो मानो कि आई वॉज नॉट एबल टू मेक कॉन्टेंट, नहीं बनाया जा रहा था मुझसे। मतलब आइडियाज आते भी थे, तो मेरी हिम्मत ही नहीं होती थी बनाने की, मैं उठ ही नहीं पाती थी मैं, और मुझे ऐसा लगता था नहीं बनाना मुझे। और फिर मैं नहीं बनाती थी, तो मेरे को और परेशानी होती थी, अरे मैंने कुछ नहीं बनाया, अरे मैंने कुछ नहीं किया, आज मैंने पूरे दिन कुछ नहीं किया, वो गिल्ट भी था। पर मैं करूँ कहाँ से, वो दिमाग ही नहीं चल रहा था मेरा, मतलब मैं एक्ट ही नहीं करना चाहती थी। तो आई वॉज स्ट्रगलिंग, अभी भी मतलब मैं स्ट्रगल कर रही हूँ कि मैं अभी भी मतलब इंस्टाग्राम के लिए तो मैं अभी भी स्ट्रगल कर रही हूँ। मुझे कंटेंट बनाने का मन बहुत नहीं करता है, और अगर आइडियाज भी आते हैं, कल रात को मैंने देखे बहुत सारे आइडियाज मेरे पास पुराने पड़े हुए हैं,
द मोमेंट आई स्टार्ट, मतलब मैं कैमरे के सामने आती, पता नहीं क्या हो जाता है, मुझे लगता है कि रहने दो यार, मुझे नहीं बनाना. और फिर मैं सेल्फ लोथिंग करती रहती हूँ कि हाँ ये नहीं किया मैंने, वो नहीं किया. वो तो हाँ, एक तो ये तो सर्कल चलता होता है. है, बट वही है, धीरे धीरे आप इससे बाहर आते हो. और कई बार होता है कि लोग कंटेंट चर्न भी करते रहते हैं, अगर स्ट्रगल कर भी रहे हैं, बट दे नो कि एडिक्शन, जैसे कि बात हुई कि अप्रूवल के लिए लोग कंटेंट हाँ, डालते रहेंगे अप्रूवल. डालते रहेंगे, हाँ और मेंटल हाँ हेल्थ इससे और भी ज्यादा डिटेरियरेट होती है. तो ये जो थेरेपिस्ट के पास जाना है, ऑब्वियसली इट इज सल्यूशन जो आई थिंक हम सभी को ट्राई करना चाहिए. और ऐसे भी कई लोग हैं जो अभी टफ टाइम से गुजर रहे हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम पे कंटेंट क्रिएटर हो, कहीं भी कंटेंट क्रिएटर हो, या कुछ और करते हो, कहीं जॉब करते हो, मे बी स्टे एट होम मदर्स हो, तो उनके लिए आपके पास क्या मैसेज है जो ऐसी सिचुएशन से डील कर रहे मुझे ये लगता है कि ना आपको रियलिटी से ना भागना नहीं चाहिए. एक बार आपको ना, हैं? आप ही सबसे अच्छा आंसर अपने बारे में दे सकते हो. जस्ट क्लोज योर आईज, टेक सम टाइम ऑफ और सोचो कि क्या प्रॉब्लम है, कहाँ, मतलब आप सचमुच में स्ट्रगल कर रहे हो. मतलब वही मैंने जो बोला ना, यू कांट बी ओके, यू कांट हील योर सेल्फ अंटिल इफ यू कीप प्रिटेंडिंग दैट आई एम ओके. तो यू, आप किसको, मत मतलब आप प्रिटेंड किसी पूरे वर्ल्ड किससे से कर कर रहे सकते हो? हो, सही बात है, खुद से तो नहीं कर प्रिटेंड नहीं सकते. कर सकते ना. खुद को तो सब कुछ पता होता है, यू नो, खुद को सब पता होता है कि अगर आपको किसी के साथ, जेलेसी हो रही है ना, तो आप सामने तो दिखा दोगे कि नो नो आई एम नॉट जेलस एंड यू नो, लेकिन आपको अंदर तो पता है ना कि आपको, हाँ, आपको अंदर तो पता है ना कि आपके साथ में ये प्रॉब्लम हो रही है और आप ये कर रहे हो. तो बस अब मैं ये चाहती हूँ कि आप मत भागिए, लोगों के बारे में मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे. अगर आपको लगता है कि सचमुच में लोगों का आपको जजमेंट बहुत है, तो वो भी सही है, क्योंकि उस वक्त आप इतने स्ट्रगल कर रहे होते हो ना, तो आपको डर तो होता है, सोसाइटी का डर होता है, वो एकदम से नहीं निकल सकता है ना. तो हाँ आप चुपचाप बिना किसी को बताए थेरेपी ले लो. फिर आपको कोई हाँ ढिंढोरा पीटने की जरूरत कोई नहीं है, जरूरत थोड़ी आपको अनाउंस कोई करने की ढिंढोरा, आपको बताने की. हाँ, अनाउंस करने की जरूरत नहीं, किसी को बताने की जरूरत नहीं. बहुत सारी चीजें होती है कि हम अपने पति को बिना बताए कपड़े नहीं लेते किसी बात. हाँ, सही बात है. माँ बाप से बिना बताए दोस्तों के साथ घूम के नहीं आए क्या, और क्या. होता है ना. तो वी डू दैट ना, ऐसा हम करते हैं ना. तो जब हम ऐसे, उससे क्या मिलता है, उससे हमको क्या मिलता है, उससे हमको खुशी मिलती है ना. तो अपन को अपने दिमाग की खुशी के लिए, अपने खुद की खुशी के लिए, अपने दिमाग की खुशी के लिए कुछ तो करना चाहिए ना. इतना तो वो डिजर्व करता है ना, तो करिए ना. फिर उसके बाद में हाँ वो खुद ही, घर वाले ही सब खुश होंगे कि अरे वाह, तुम तो बहुत अच्छे हो गए, है हाँ फिर वही लोग ना. खुश तो हो, बोले उनको हाँ, बस बताओ मत जैसे बाद में आपको कि मैंने मेकअप, थेरेपी ली हाँ थी. हाँ तो मेकअप का प्रोडक्ट यूज करते हो, चुपचाप चुपचाप यूज करो. हाँ, 4 मतलब 1 महीना यूज कर, बोले अरे तेरी स्किन पे बड़ा ग्लो आया है, और बताया नहीं तो एकदम कितना अच्छा सरप्राइज हुआ, है ना. तो इसी तरीके से वो मेडिकल ग्लो थेरेपी, फिर वो दिखेगा आपका चेहरा, एक्चुअल एक्चुअल ग्लो सामने आएगा आपका, आप खुद खुश रहेंगे. हाँ ग्लो एंड लवली. लवली. ओके, तो मुझे ये अच्छा लगा कि हम लोगों ने मेंटल हेल्थ जैसे सीरियस टॉपिक के बारे में बात करी, अपने अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर किए, बट इसको हैवी बना के नहीं शेयर किया. आपने भी बात करी, ओपनली करी, अच्छे से बताया. और आई थिंक कि ये जरूरी है कि जो हमारे जैसी विमेन है उनके लेवल पे आके हम उन्हें बताएं. ये नहीं कि हमने एक बड़ा सा एनजीओ बना दिया कि ये आपकी मेंटल हेल्थ के लिए है, और सामने वाले को पता ही नहीं है कि मुझे करना क्या है एनजीओ का, मैं क्या करूं, राइट? तो अगर हम उन्हीं के लेवल पे जाके बात कर रहे हैं, उन्हीं के सामने बात कर रहे हैं, तो ये ज्यादा अंडरस्टैंडेबल होगा उनके लिए, और वो ज्यादा रिलेट कर पाएंगे, और शायद थेरेपी ट्राई करने के लिए सोचेंगे. हाँ, और बिल्कुल सही. क्योंकि आप जब हमारे में से ही कोई बोलता है ना, तब उनको ज्यादा वो रिलाइज करते हैं. एक अथॉरिटी ऑफ पावर से कोई इंसान बात कर रहा होता है ना, तो वो रिलेट नहीं करता. लगता है हाँ ठीक है, वेस्टेड इंटरेस्ट होंगे या कुछ होगा, कुछ सोचते हैं, यू नो. बट व्हेन इट कम्स फ्रॉम आवर सर्कल, यू नो, फ्रॉम पीपल हु आर लाइक अस, तो फिर देन पीपल आर मोर रिसेप्टिव टुवर्ड्स दोज आइडियाज एंड दोज थिंग्स, यू नो. तो आई ट्राई, मतलब इसलिए मैं सोचती हूँ कि आई आई रियली ट्राई, ऑलवेज ट्राई कि आई नीड टू बी वेरी रियल ऑन माई सोशल मीडिया एंड आई रियली वॉन्ट टू बी. तो आजकल मैंने कर लिया है कि मैं ना, मतलब मैं है ना नहीं आती हूँ तब तक, जब तक मुझे कुछ रियल में काम नहीं होता है या बताने की जरूरत नहीं होती है. क्योंकि जैसी हूँ वैसी हूँ, उसको वो एक्सेप्ट मुझे खुद को करना है, नॉट बिकॉज ऑफ अदर्स. मैं खुद को एक्सेप्ट करना चाहती हूँ, मैं खुद को एक्सेप्ट करना चाहती हूँ. मुझे वो फियर हटाना है, मुझे वो डर हटाना है, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ. तो डू इट फॉर योर सेल्फ. आप अपने, आपको जो फियर है, आपके जो चैलेंजेस है ना, ट्राई टू ओवरकम दैट बाय फेसिंग देम, यू नो. कोशिश करिए, उसको फेस करिए, खुद 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 सही होने की कोशिश करिए उन चीजों से बाहर निकलने की. तो निकी, तुमने इतनी अच्छी अच्छी बातें करी, लोगों को बताया, और अच्छे से. बातें करना तो मेरा काम है, बातें करना तो मेरा काम हाँ, है, दुनिया इस भर की बातें एपिसोड करा में लो. वैसे तो मैं अपने सारे एपिसोड्स में कम ही बोलती हूँ, लेकिन आई थिंक आज के एपिसोड में मैंने काफी कम बोला. तो मम्मी अगर निकी से लोग बात करना चाहते हैं तो ऑनलाइन कहाँ मिलोगे आप? का पिटारा, मम्मी का पिटारा ऑन इंस्टाग्राम. यस, मम्मी का पिटारा इंस्टाग्राम. आई एम जस्ट सेंड डीएम अवे. निकी हमेशा अपने सारे डीएम्स का रिप्लाई करती है. हाँ, सबका करती, कमेंट भी सब करती हूँ मैं रिप्लाई. ओके, सो और मैं फिर सबको ये बोलना हाँ चाहूंगी कि ना, दूसरों का मत देखो. एवरीबडी, एवरी वन इज फेसिंग सम प्रॉब्लम्स एंड डिफिकल्टीज है, बट दिखाते नहीं है, ठीक है. सब हाँ कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम्स होती है, कोई बिकॉज कोई परफेक्ट नहीं होता. तो आप किसी के बारे में सोचिए कि वो तो नहीं कर रहा है यार, उसके तो प्रॉब्लम नहीं है, या वो तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है. फिर देखना, आप अपना देखिए, आपको प्रॉब्लम हाँ है
आप डॉक्टर के पास जाइए, आप हेल्प लीजिए, फ्रेंड से बात करिए और एनालाइज करने की कोशिश करिए. देखिए शर्माने की, यू नो, शर्माने की बात नहीं है, स्टिग्मा स्टिग्मा ये सब पड़े रहेंगे. ओन योर लाइफ लेडीज, ओन योर लाइफ. हाँ एग्जैक्टली. सो निकी, तुमने सबसे ओपनली शेयर किया अपनी थेरेपी के बारे में और एक्शनेबल आइडियाज दिए कि आपको अपने ऊपर वर्क करने की जरूरत है. तो एक और बात मुझे याद आई. हाँ मैं बोल रही हूँ कि जब मैंने ना थेरेपी ली थी ना, तो फर्स्ट डे था मेरा थेरेपी का ना, तो डॉक्टर ने मुझे ये बोला था कि यू जस्ट नीड टू, व्हेन यू स्टार्ट योर मॉर्निंग, यू जस्ट गो, मतलब आप सुबह उठ के बस केवल 5 मिनट के लिए शांति से बैठे, डू नथिंग, है ना, कुछ नहीं करना, जस्ट सिट. तो मैं पार्क गई और मैं पार्क में जाके बैठी. एंड यू नो दिस एक साइंस, द यूनिवर्स गिव्स यू साइंस. देयर वाज दिस, सामने एक स्लोगन लिखा हुआ था, उस पे ऐसा लिखा था कि दुनिया को बदलना चाहते हैं तो स्वयं को बदलिए. हाँ. मैंने सोचा ये मेरा साइन है, यू नो, आपको आपको अपने आप को बदल, मतलब आपको अपने आप पे काम करना पड़ेगा, आप दूसरों को नहीं बदलता. मैं जैसे मैं बता रही हूँ, मैंने जब मेरा फर्स्ट सेकंड चाइल्ड हुआ था ना, तो मेरा फर्स्ट चाइल्ड ना बहुत रोता था, तो एज गैप थोड़ा कम था और वो जैसे वो सेपरेशन एंग्जाइटी थी बच्चे को और इनसिक्योरिटी थी, उसकी वजह से बहुत रोता था करता था. तो मैं उसको साइकेट्रिस्ट के पास लेके गई थी, मुझे लगा था बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग हो गया था मेरे लिए भी. मेरे को भी नहीं पता था, शायद आई वॉज गोइंग थ्रू पोस्टमार्टम डिप्रेशन ऑल्सो, है ना. तो पर वो डायग्नोस ही नहीं हुआ, तो ध्यान ही नहीं दिया उसके ऊपर. तो मैं जब साइकेट्रिस्ट के पास उसको लेके गई ना, तो मैं जब डॉक्टर को सब आते बताया, डॉक्टर बोला किड डजंट हैव एनी प्रॉब्लम, इट्स विद यू, इट्स ऑन, मतलब एवरीथिंग इज गोइंग अराउंड इन योर हेयर, यू नो, आपकी वजह से सब कुछ हो रहा है. बिकॉज मतलब वहां पर भी मुझे इतनी, मतलब मैं जैसे रोने जैसी हो गई, मैं दुखी हो गई, सब कुछ. मैंने तब भी मैंने हेल्प नहीं ली. पर सही बात ये थी कि मतलब बच्चे में आप नुक्स मत ढूंढो कि वो टेंट्रम थ्रो कर रहा है, बच्चा नहीं समझ रहा है, बच्चा खाना नहीं खा रहा है, बच्चा हैरान कर रहा है, कहीं ना कहीं आपके रिएक्शन उसको वो करने के लिए मजबूर कर रहे हैं. एग्जैक्टली. और डॉक्टर प्रियंका जब पॉडकास्ट पे आई थी तो उन्होंने भी यही बोला था कि अक्सर होता है मेरे पास बच्चे थेरेपी के लिए आते हैं लेकिन एक दो सेशन के बाद मैं पेरेंट्स की थेरेपी कर रही होती हूँ. तो ये जो सिचुएशन है हमारी सोसाइटी की, इसके बारे में हमने बात करी एंड आई एम श्योर कि मदर्स सुनेंगी और इंस्पायर होंगी थेरेपी लेने के लिए. सो निकी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर थॉट, शेयरिंग योर एक्सपीरियंसेस विद लिटिल फिक्सेस. एंड या, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी, और मुझे बहुत अच्छा लगा. जिसको भी मुझसे बात करनी, आई एम जस्ट डीएम अवे, मम्मी का बेटा, मुझे बोलिए, आई एम रेडी टू टॉक अबाउट दिस. सी हाउ सिंपल इट इज एंड हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज. सो प्लीज अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में थोड़ा सा सोचिए और उसको बेटर करने की कोशिश कीजिए इस साल. और जो हमारी साइकाइट्रिस्ट जिनके बारे में, डॉक्टर प्रियंका के बारे में निकी ने, मैंने थोड़ी सी बात करी, तो शी हैज बीन ऑन लिटिल फिक्सेस पॉडकास्ट और ये हमारे एपिसोड 18 में आई थी, योर टिकट टू बेटर रिलेशनशिप्स करके वो एपिसोड था. तो आप उसको भी सुन सकते हैं, आई विल लिंक इट. एंड निकी का पुराना एपिसोड, एपिसोड 3 भी आई विल लिंक इट इफ यू वॉन्ट टू लिसन टू इट. और डोंट फर्गेट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एट लिटिल फिक्सेस पॉडकास्ट, ऑन फेसबुक विद द सेम नेम. और हम आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर लिटिल फिक्सेस को सुनते हैं उस पर उसको सब्सक्राइब, रेट एंड रिव्यू करना मत भूलिएगा. अब मिलते हैं नेक्स्ट वेंसडे, तब तक के लिए लाइफ में मजे करो और सदा सैसी रहो. बाय.